Hello friends, welcome back. I'm Malky Dylan and you guys are watching my YouTube channel Vlogs Travel. And guys, आज की इस informational vlogging की video मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, वो आधार कार्ड के बारे में. गाइज, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, इंफॉर्मेशनल वीडियोस एज वेल एज अदर व्लॉगिंग वीडियोस. तो गाइज, आज की जो इंफॉर्मेशनल वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा. बहुत सारे लोगों को, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी एंड मुझे बहुत सारे कमेंट काफी दिन से मिल रहे थे. मैंने सोचा कि आज जो इंफॉर्मेशन की ये वीडियो मैं आप लोगों को बता दूं, आधार कार्ड कैसे बनता है. आधार कार्ड जो नेम चेंज करते हैं आधार कार्ड में, बहुत सारे लोगों को ये ट्रबल आ रही है, आधार कार्ड में नेम नहीं चेंज हो रहा है. एंड जिनका नेम चेंजिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आप लोगों का एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा. तो चलिए गाइस, ज्यादा ना टाइम लेते हुए, लेकिन बिफोर वी गेट स्टार्टेड मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि व्लॉगिंग की एज वेल एज इंफॉर्मेशनल वीडियोस इस चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, कि आधार कार्ड में नेम जो चेंज करना होता है, कितनी बार आप नेम चेंज कर सकते हैं आधार कार्ड में. तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग ट्राई करते रहते हैं एंड ये बात सोचते हैं कि उनका नेम जो है, जितनी भी बार वो सोचेंगे उतनी बारी वो चेंज कर पाएंगे. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने, पहले ऐसा था कि आप चेंज कर लेते थे, लेकिन आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिया है कि आप लोग जो अपना नेम है वो सिर्फ दो बार चेंज कर सकते हैं. गाइज, चेंजिंग योर नेम इज बिट डिफिकल्ट, बिकॉज गाइज वहां पे लिमिटेशन दी गई है. अगर ज्यादा बार अपना नेम चेंज करोगे तो मे बी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर कोई रिएक्ट करेगी, ठीक है. तो इसलिए मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप दो से ज्यादा बार अपना नेम जो है चेंज ना करें. अगर आप चेंज करोगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो एक तो ये बात है, देखो अगर आपके पास गैजेट है, ठीक है, और अपना जो नेम है वो आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, गैजेट के थ्रू, ठीक है. अगर आपने गैजेट की वीडियो नहीं देखी है, गैजेट के रिगार्डिंग मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइडेंस दी हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे आपको मिल जाएगी एंड वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है. वो मैंने फुली एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे, एंड आपका जो उसमें खर्चा आएगा वो 1800 के अंदर आएगा, 1800 रुपीज आप लोगों को देने होंगे टोटल, ठीक है. वो आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन की हेल्प की आप लोगों को जरूरत नहीं है. स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, वीडियो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, आप वो चेक कर लीजिएगा. ये तो बात हो गई, मैंने आप लोगों को बता दिया, आप जो नेम चेंज है वो सिर्फ दो ही बार कर सकते हैं, ठीक है. एंड जो अनदर थिंग है गाइज, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स डेली मिलते हैं कि पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया हुआ था, जो UDI जो वेबसाइट है उनकी, आधार कार्ड की जो खुद की वेबसाइट है, वहां पे आप लोग जो PDF फाइल है वहां पे फाइल करके आपको जो गैजेट है, आपका जो नेम है PDF फाइल से हो जाता था. आप गैजेट जो है वो उसकी PDF फाइल बना के आप ले जाते हो और उसको अपलोड कर देते हो सिस्टम में. लेकिन जो आपकी गैजेट नेम चेंजिंग की रिक्वेस्ट है वो आपकी कैंसिल हो जाती है आधार कार्ड में, ठीक है. आप लोगों को क्या करना है, उसको JPG फाइल में आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है. कर सकते हो, गूगल में टाइप करोगे कंप्रेस तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और आपकी जो PDF फाइल है उसको कंप्रेस कर लीजिएगा, ठीक है. और जब आप उस गैजेट को कंप्रेस करोगे तो आपकी जो फाइल है वो JPG में कन्वर्ट हो जाएगी. जब आपकी फाइल JPG में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद आप लोग जो अपनी फाइल है
वो जूडीआई वेबसाइट जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जेपीजी फाइल में, और आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी आप लोगों का नेम जो है वो चेंज हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है गाइस। ये छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।